गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्षितिज का पार्ट 12 लखनवी अंदाज पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। पहले मैं यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। सुप्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरा लाल और माता का नाम प्रेम देवी था। फिरोजपुर में मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की थी। वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी थी। उनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई थी। अब मैं आपको लखनवी अंदाज के पहले पाठ का थोड़ा सा सार बताती हूँ कि इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब का के विषय में बताया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रस स्वाद करते थे। खीरे की फांके कहते हैं जो खीरे के पीस होते हैं, और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंका जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करते हैं। वे खीरे को खाते नहीं हैं और केवल सूंघते हैं और एक एक फांक को लेकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, और ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने खा लिया है और डकार लेते हैं का नाटक करके कि उन्हें खीरा खाने से तृप्ति प्राप्त हो गई है, उनकी आत्मा को शांति मिल गई है, उनका पेट भर गया है। उनके इस व्यवहार से लेखक सोचता है इस तरह तो बिना घटना विचार और पात्रों के नई कहानियां भी लिखी जा सकती हैं। उनके इस व्यवहार को देखकर लेखक सोच रहा है कि बिना घटना विचार और पात्रों से हम नई कहानियां भी लिख सकते हैं। इसका पहला पहला है, मैं आपको बताती हूँ, मुफासिल। मुफासिल कहते हैं केंद्रीय स्थान और उसके आसपास। इस पहरे के पहले और पहरे के मैं आपको वर्ड मीनिंग, उतावली बेचैनी, प्रतिकूल विपरीत, निर्जन एकांत या खाली स्थान, एकांतचित अकेले में सोचना। जब हम अकेले में बैठ के सोचते हैं तो उसे एकांतचित कहते हैं। विघ्न बाधाएं, आत्मसम्मान स्वाभिमान, आंखें चुराना बचने का प्रयास, यहाँ तक का मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताई है। पहला पहरा है, लेखक कहते हैं मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का लिया था। यहाँ लेखक अपने मित्र व्यक्ति प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास के से यात्रा नहीं करना चाहते थे। फिर यह सोचकर कि उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास में भीड़ से भी बचा जाएगा, कहानी के संबंध में सोच सकेगा और उसके प्राकृतिक दृश्यों को खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, अतः उसने क्या किया था, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। गाड़ी छूट रही थी, लेखक कहते हैं भाग कर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेखक का अनुमान था कि डिब्बा निर्जल होगा, डिब्बा खाली होगा, निर्जल मतलब खाली। लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालती बैठे बैठे, एक सफ़ेद पोशाक में एक सज्जन अपने दोनों पैरों को ऊपर किए पालती मार के बैठे हुए हैं, जिनके सामने तोलिए पर दो चिकने खीरे रखे हुए हैं, दो साफ सुथरे खीरे धोकर उन्होंने एक तोलिया बिछा दिया है और उस पर दो खीरों को रखा है। लेखक को एकदम आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। लेखक को ऐसा महसूस होता है कि लेखक का एकदम से आ जाना उस नवाबी साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। नवाब साहब ने, जब लेखक डब्बे में चढ़ते हैं
तो कई आदमी जैसे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने कौन आया है, तो उनके कहते हैं बैठ जाओ गुरु। पर क्या है, नवाब साहब ने लेखक के चढ़ने पर उनके प्रति अपनी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं और ना ही लेखक नहीं उनसे परिचय करने का प्रयास किया। और लेखक ने देखा जब अनुभव आदमी सामने बैठा हुआ मुझे सम्मान नहीं दे रहा, तो लेखक भी चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। लेखक ने उनकी तरफ से आँखें चुरा ली। आँखें चुरा लेना मतलब उनकी तरफ ना देखना। लेखक ने भी उन्हें देखा अनदेखा कर दिया था। आगे है, लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगे कि नवाब साहब ने किफा की दृष्टि से, पैसे बचाने की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई लेखक ये सोच रहे हैं कि नवाब साहब ने पैसे बचाने की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट लिया था। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे। लेखक यह सोच रहा है कि नवाब साहब ने सफ़र काटने के लिए शायद खीरे खरीद लिए हैं कि उन खीरों को काटेंगे और उन्हें खाएंगे और अपने सफ़र को काट लेंगे। लगता है उन्हें किसी के सामने खीरे खाने में संकोच लग रहा है। अब लेखक अपने मन में सोच रहा है उन्होंने खीरे तो रखे हुए हैं पर किसी के सामने खीरे खाने में वो संकोच लज्जा महसूस करने हैं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे। नवाब साहब के हैं बार बार खिड़की से बाहर देख रहे हैं और स्थिति पर विचार कर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे हैं और अपने मन में कुछ विचार कर रहे हैं। यकायक एकदम से उनके भाव परिवर्तन करते हुए उन्होंने अपने भाव को परिवर्तन कर लिया और लेखक से खीरे खाने के शौक फरमाने के कहा और लेखक से कहा कि क्या तुम खीरा खाओगे, मेरे पास बहुत अच्छे खीरे हैं। तो लेखक को नवाब साहब का एकदम से भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है। लेखक को नवाब साहब का इस प्रकार से भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगता और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बादक शौक फरमाइए। लेखक ने उसका शुक्रिया किया, ये उर्दू वर्ड है, और कहा कि बादक शौक पढ़े आइए। आज मैं यहाँ तक पढ़ा रही हूँ। पहले इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहले पहरे का है, पहले पहरे का आपका लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। देखिए, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक आराम से यात्रा करना चाहता था। इसका दूसरा पॉइंट, लेखक को अधिक दूर यात्रा नहीं करनी थी, वह भीड़ से हटकर एकांत में कहानी के बारे में सोचना चाहता था, वह खिड़की से प्राकृतिक दृश्य निहारना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन, लेखक ने जिस अनुमान के साथ सेकंड क्लास का टिकट खरीदा वह गलत कैसे निकला। लेखक का अनुमान था कि सेकंड क्लास का डिब्बा सुनसान होगा, वह एकांत में आराम से यात्रा कर सकेगा, पर उसका अनुमान गलत निकला जब उसने देखा कि डिब्बे में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारे बैठे हुए थे। लेखक का अनुमान यहाँ गलत था। लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया और उसने कहा कि वह आराम से इसमें बैठेगा, इसमें कोई भी नहीं होगा, पर उनके सामने एक लखनऊ का नवाब सफ़ेद पोश सज्जन पालती मारे बैठा हुआ था, इसीलिए लेखक का अनुमान यहाँ पर क्या निकला, गलत। डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर असंतोष और परेशानी का भाव प्रकट किया। डिब्बे में जब सज्जन आता है, लेखक सज्जन ने लेखक के आने पर क्या किया, लेखक को देखकर सज्जन क्या हो गया, असंतोष और परेशान हो गया। वो खुद भी अकेले बैठकर खीरे का आनंद उठाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था, खीरे का आनंद लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक नवाब साहब के बारे में क्या क्या कल्पनाएँ कर रहे थे। लेखक नवाब साहब के बारे में कई कल्पनाएं कर रहे थे। पहले उनके मतलब लेखक के आने से नवाब साहब को असुविधा हो रही थी। दूसरा, नवाब साहब ने कम खर्च के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया था। वे नहीं चाहते होंगे कि उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते कोई देखे। वह नहीं चाहते थे कि उन्हें सेकंड क्लास में यात्रा करते कोई देखे। नवाब होकर वे साधारण से इंसान के सामने खीरा कैसे खा सकते हैं। उनके मन में घमंड था, वो सोचते थे मैं तो एक नवाब हूँ और लेखक एक साधारण आदमी है, उनके सामने मैं खीरा कैसे खा सकता हूँ। नवाब साहब ने लेखक के साथ कैसा व्यवहार किया, उनके व्यवहार में अचानक क्या परिवर्तन आया।
नवाब साहब ने लेखक के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, उन्होंने लेखक से बात करने की पहल नहीं की। नवाब साहब ने लेखक की उपेक्षा की थी, उनकी ओर देखा नहीं था, उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अचानक नवाब साहब को अपने सामने रखे खीरे का ध्यान आ गया और उन्होंने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछ लिया। लेखक ने नवाब साहब का प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर दिया? लेखक स्वाभिमानी स्वभाव व्यक्ति था, नवाब के उपेक्षित व्यवहार से उसका स्वाभिमान आहत हुआ था, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी, अथा उसने नवाब द्वारा खीरे खाने के लिए दिए गए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, आपका ये पहला दो पहरे पूरे हो चुके हैं, कल मैं इसके आगे का पहरे पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको यहीं तक का पढ़ाऊंगी। लखनवी अंदाज इस पाठ को आप पढ़िए, 12वां पाठ है आपकी बुक में,